सोलन में हो रही बेमौसमी बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं, क्योंकि किसान ना पक्की फसल को काट पा रहा है और ना ही नए पौधों की बिजाई कर पा रहा है, जिसके चलते अन्नदाता परेशान है और सरकार से सहायता की उम्मीद लगा रहे हैं। सोलन में हो रही बेमौसमी बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं, क्योंकि किसान ना पक्की फसल को काट पा रहा है और ना ही नए पौधों की बिजाई कर पा रहा है, जिसके चलते अन्नदाता परेशान है और सरकार से सहायता की उम्मीद लगा रहा है। आपको बता दें कि सोलन में टमाटर और मटर यहाँ की नकदी फसलें हैं, लेकिन न टमाटर को बीज पा रहे हैं और न मटर की फसल का तुड़ान कर पा रहे हैं, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों ने बताया कि उन्होंने खेतों को बुआई के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया है, लेकिन जमीन गीली होने के कारण टमाटर, शिमला मिर्च और पहाड़ी मिर्च की बुआई नहीं हो पा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मटर, लहसुन, गेहूं, जौ की फसल तैयार है, लेकिन बारिश होने की वजह से उन्हें वे काट नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से उनकी फसल खराब होने की कगार पर है। यही कारण है कि उन्हें घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है, खर्चों में कई तरह की कटौतियां करने को मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि वे इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दें और कुछ मुआवजा उपलब्ध करवाएं, ताकि उनका घर खर्च चल सके। आजकल हमारी टमाटर की रुपाई होती है, नए पौधे खेतों में लगते हैं, सभी जिम्मेदारों ने, किसानों ने अपने खेत तैयार करके रखे हैं। बारिश की वजह से सारे खेत गीले होने की वजह से ना तो टमाटर लगा पा रहे हैं, ना शिमला मिर्च लगा पा रहे हैं, ना और वो चीज़ें जैसे हरी मिर्च वगैरह होती है वो लगा नहीं पा रहे हैं। बारिश से नुकसान, जैसे अब लहसुन की फसल है वो आ रही है, तैयार हो रही है, कणक हमारी कटने के लिए तैयार है, जौ वगैरह है कटने के लिए तैयार है, सारे ही हवा से, तूफान से कणक जौ नीचे गिर चुके हैं, हवा से तूफान से। लहसुन की फसल भी खराब हो चुकी है लगभग, और टमाटर लगा नहीं पा रहे हैं। मटर का जो आजकल सीजन चला था, पीक सीजन था, वो बारिश की वजह से मिट्टी में वो मिल जाते हैं, जैसे कई बार जम्पा नहीं लगता है तो उसमें जो छोटे जिम्मेदार हैं नहीं लगा पाते हैं, तो वो चीज़ खराब हो चुकी है सारी। और थोड़ा अगर हो सके आपका मैसेज हिमाचल गवर्नमेंट तक जाए, तो थोड़ा थोड़ा सा क्लेम जो जिम्मेदारों को थोड़ा हल्का सहारा मिल जाता है, तो उस चीज़ का थोड़ा वहां तक पहुंचाने की इसको कोशिश करें। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एसटूडियो के साथ। नमस्कार।